मेरे साथ है क्षितिजा वाघ जो कि लातूर से हैं, महाराष्ट्र से, और जा रही हैं यूक्रेन की व्यू एफएम में। मेरे साथ इब्राहिम अहमद हैं जो कि विदिशा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पहले कोटा फिर पटना और अब दिल्ली। इन्होंने काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सेमिनार्स अटेंड करे, इंफॉर्मेशन गैदर करी। But when I went to your seminar, I went there just for fun. But like, it was very informative. Like, it changed my mind. Like. Hi everyone, this is Yukti Belwal. और इस वक्त मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरे साथ है रश्मि ईरानी जो कि जा रही है विदिशा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में। मेरे फ्रेंड्स आपके थ्रू गए हैं तो उन्होंने रिकमेंड किया कि युक्ति मैम के थ्रू जाओ, तो फिर मैंने आपको चूज करा। इससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। मेरे फ्रेंड्स आपके थ्रू काफ़ी सारे गए हैं, मैं भी जा रही हूँ आपके थ्रू। मुझे आपने बताया कि इंडिया का आपने दिया था एग्जाम, नीट एग्जाम दिया था, कितना स्कोर आया था आपका? मैम अप्रोक्स ऐसा कुछ था 415 के 16 के आसपास। 415 आया था आपका। सो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया? भैया जो है एक अटेम्प्ट उन्होंने भी करा था तो फिर उसके बाद नहीं हुआ तो वो चाइना चले गए थे। उनके 500 समथिंग के मार्क्स थे, फिर उन्होंने ही मतलब रिकमेंड करा। कोई भी इंडियन से स्टूडेंट्स आए तो आपके थ्रू है, क्योंकि वहाँ की कंसल्टेंसी भेज तो देती है लेकिन यहाँ पे बच्चों को जो फेस होता है ना, मैंने देखा कि कुछ सीनियर के थ्रू आ जाते हैं, कुछ चेन के थ्रू आ जाते हैं, ये सब बहुत बहुत फेस करना पड़ता है। थोड़ा शायद आपको कम ज्यादा पड़े लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आ गई तो फिर आपको कोई नहीं फेस करता, क्योंकि यहाँ पे रेक्टर्स डायरेक्ट मेन कंसल्टेंसी सुनते हैं, ये सीनियर्स की नहीं। क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप कर दिया, साइन करके ले जाकर रेक्टर को दे दिया, किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो फिर देखते हैं कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होता। लेकिन अगर कंसल्टेंसी के थ्रू हो तो आप बोल सकते हो, एंड आपकी बेस्ट कंसल्टेंसी लगी मैम, क्योंकि आपने हर मोमेंट हम लोगों को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैम अभी आई भी हुई हम लोगों से मिलने के लिए, दैट्स रियली गुड ऑफ यू। बिल्कुल, ये मेरे को प्रैक्टिकल लगा कि मतलब अपने सारे बहुत सारे दोस्त हैं बट अभी तक सबको किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम, बट जहाँ तक मुझे लगा कि जब मैं आपके थ्रू आया तो मुझे लगा हाँ मैं ठीक हूँ। युक्ति मैम के बारे में तो मुझे, जब मैं कोटा में था एक्चुअली, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBBS एंट्रेंस टेस्ट, तो लगभग 2 साल पहले उनका एक सेमिनार हुआ था वहाँ पर, तो हम रन करने गए थे। उस समय तो हमने ऐसी फॉर फन लिया था कि कोई बात नहीं, उस समय कुछ प्लान था नहीं सर या का, तो फॉर फन के लिए हम ऐसे चले गए थोड़ा कि चलो टाइम पास हो जाएगा, सेमिनार अटेंड करते हैं। तो मतलब फिर वहाँ पे युक्ति मैम से मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद कुछ इन्फ्लुएंस हुआ बहुत, तो उनकी बातें बहुत रिस्पॉन्सिबल लगी, सेंसिबल अपनी था। और युक्ति मैम की सबसे अच्छी बात है वर्क एथिक्स, वो ये सर या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए, एक जॉब नहीं है, सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को। एंड सबको रिकमेंड करता हूँ मैं, और आप एक बार चैनल जरूर विजिट करिए, युक्ति मैम का चैनल बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू।